केजीएफ को करने जा रही है क्लैश। केजीएफ 2 से पहले एक बार फिर केजीएफ 1 होगा रिलीज। केजीएफ 2 को लेकर यश ने रिसेंटली क्या अपडेट दिया? नमस्कार दोस्तों, बॉडीगार्ड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने की जानकारी और फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुने किस्से। इन सभी बातों पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में, तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 1 देखी है तो केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार तो बेसब्री से रहा होगा, और अगर नहीं देखी है तो फिल्म के ट्रेलर और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपका भी सब्र का बांध टूट जाएगा। केजीएफ के पहले पार्ट ने तो दर्शकों के दिलों में पहले ही जगह बना ली है, और इस हिसाब से ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज होने पर क्या हाल होने वाला है। और अब तक तो आप सभी को केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज होने की खबर मिल चुकी होगी, लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि 14 अप्रैल 2022 को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है। वहीं फिल्म केजीएफ 2 के साथ कई और फिल्म्स भी लॉन्च होने जा रही है, जिससे फिल्म क्लैश होने की खबर भी काफी चली, कभी प्रभास के सलार के साथ तो कभी महेश बाबू की आने वाली फिल्म के साथ। लेकिन अब तो फिल्म की डेट फिक्स हो चुकी है, और केजीएफ जैसे फिल्म को आखिर कोई फिल्म टक्कर दे भी कैसे सकती है। केजीएफ ने अपनी फैन फॉलोइंग जो इतनी बढ़ा ली है, यश के पास फिल्मों की कमी नहीं है, प्रभास के जैसे अब यश भी छा गए हैं, उन्हें भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के साथ काम करने की बात चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर आई कि केजीएफ चैप्टर 1 एक बार फिर रिलीज होने जा रही है। लगभग 3 साल हो गए केजीएफ चैप्टर 1 को, और केजीएफ चैप्टर 1 का हैंगओवर खत्म होते नहीं दिख रहा है। एज पर द रिपोर्ट्स, केजीएफ चैप्टर 1 को 4 सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया जा रहा है बैंगलोर में। इसलिए अगर आप बैंगलोर में रहते हैं और अगर आपने गलती से चैप्टर 1 मिस कर दिया देखना, तो आप जरूर जा सकते हैं देखने, और ये सुनहरा मौका आप लोगों के लिए ही रखा गया है। केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमेक्स सीन जो हैदराबाद में शूट हुआ, क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग में मेकर्स ने जो खर्चा किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के पावर पैक क्लाइमेक्स सीक्वेंस को शूट करने में मेकर्स ने करीब 12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मेकर्स की माने तो उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन पर ज्यादा खर्च किया है। सो गाइस, इन द एंड अब बस यही देखना है कि केजीएफ चैप्टर 1 से कई गुना ज्यादा हिट जाएगी केजीएफ चैप्टर 2। क्या डायरेक्टर प्रशांत नील की उम्मीद है इस फिल्म को लेकर पूरी होंगी? क्या एक बार फिर यश अपने फैंस का दिल जीत लेंगे? इन सभी के जवाब आपको हमारे चैनल पर जरूर सुनने को मिलेगा। तो इसी के और भी सारे नए अपकमिंग मूवीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। लाइक एंड कॉमेंट करके आप भी अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका आपसे इजाजत लेती हूँ। टाटा बाय।